दोस्तों आपको बता दें, अभी अभी कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 43 लोगों की लिस्ट सामने निकल कर आई है। आपको बता दें, इस लिस्ट के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो कि पुराने मंत्री और केंद्रीय मंत्री वगैरह हैं जो इस लिस्ट में शामिल है। आपको बता दें इस लिस्ट में दोस्तों, इस लिस्ट की बात करें तो प्रथम नाम है प्रताप सिंह खासरियावाज, जो कि सिविल लाइन से है। इसमें दूसरी बात करें तो मुरारी लाल जी, जो कि दौसा से, इनको टिकट मिला है। और दूसरी बात करें तो केकड़ी से रामलाल शर्मा, जो कि पूर्व चिकित्सा मंत्री हैं। और दूसरी तरफ बात करें रफीक खान की, जो कि आदर्श नगर से, इनको टिकट मिला है। और दूसरी बात करें दूदू से तो बाबूलाल नागर, जो कि पहले भी वहां के एमएलए थे, इनको टिकट की दावेदारी हुई है। तो दूसरी बात करें बस्सी से लक्ष्मण मीणा की एंट्री वापस कमबैक हुई है। और आपको बता दें अमीन कागजी, जो कि किशनपुर से, इनकी वापसी हुई है। तो दोस्तों ऐसे कई नाम हैं। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल में 43 लोगों की कांग्रेस की तरफ से लिस्ट जारी कर दी गई है। बहरहाल आपको बता दें, अभी कांग्रेस की तरफ से जो पहली सूची जारी हुई थी उसमें से कोई भी विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला है। वहीं अगर दूसरी तरफ बात करें बीजेपी की तरफ से, तो उनमें काफ़ी सीटों पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दिया है। तो दोस्तों आज जो लिस्ट आई है उसमें से कोई भी नाराज व्यक्ति हाल फिलहाल तो दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि कई उम्मीदवार जो पहले के थे उन्हीं को दिया गया है, तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। फिलहाल देखना होगा कि आगे कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी इस पर। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।